जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आरओ व एआरओ के साथ एनएक्सी भवन के सभागार में बैठक की, जिसके संबंध में जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि जनपद के सभी आरओ एआरओ व चुनाव के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की गई है तथा मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर सभी तरह की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है तथा मतदाताओं को वितरण होने वाले ईपिक कार्ड की भी समीक्षा की गई है तथा उन्होंने कहा कि जनपद में 1,25,000 नए मतदाता जुड़े हैं। उन्होंने कहा जिन लोगों का अभी तक वोटर आईडी कार्ड नहीं बन पाया है, ऐसे लोग अपने बीएलओ से संपर्क करके मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा कर वोटर आईडी कार्ड बनवा लें और विधानसभा चुनाव में मतदान करें। उन्होंने कहा बैठक में ईवीएम मशीन की तैयारी, मतदान केंद्रों पर ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों की ट्रेनिंग, आचार संहिता को पालन करवाने, कानून व्यवस्था पर भी चर्चा की गई है। इस अवसर पर एसडीएम सदर कुलदीप मीणा, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, एसडीएम सहजनवा सुरेश राय, एसडीएम खजनी पवन कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा बैठक में सर सभी आरओ साहबान हैं, कुछ आरओ साहबान हैं और हमारे जिला स्तरीय अधिकारी हैं जो विभिन्न विभागों के आज लास्ट रखी है उन्होंने इस कार्य के लिए कि 8 जनवरी तक जो भी हमें प्रारूप 7, 8 और एग्जिट कर रहे उनका डिस्पोजल आज हो जाना चाहिए। वो आज की तिथि से उन्होंने रखी है कि तमाम जनपदों को उन्होंने कहा है कि आज के बाद वो अपनी मदद तो आप लोग एक बार देख लीजिए हमारे पोर्टल पे जो भी लंबित फॉर्म होते हैं जैसे तमाम फॉर्म तमाम जनपदों से आ जाते हैं तो हम आपको अभी घंटे भर में ट्रांसफर कर देंगे। अरुण 6, 7, 8 और 8 का है, इवन 6 को भी आप प्रोसेस करिए लेकिन 6 के लिए अभी हमारे पास 1 फरवरी तक का समय है। अच्छा सर मैं अभी काफ़ी तहसीलों में वीआरसी में मेरे लिए बहुत ही बड़ा निराशाजनक विषय इतनी बार प्रोडक्शन के दौरान बोलने के बावजूद अभी तक वीआरसी से इसका विश्लेषण नहीं हुआ है कि लोएस्ट जेंडर रेशियो वाले कितने हैं। जैसे कल मैंने सजनवा में गया था 685 का भी जेंडर रेशियो का बूथ है और उसका कारण कुछ मुझे कोई नहीं बता पा रहा। आप लोग क्या जो पहला चीज करना था वो पहले चीज ही नहीं किया तो क्या मतलब है? अभी आप ऑब्जर्वर आके पहला सवाल यही पूछेंगे आपके बीआरसी में बैठ के तो आप क्या जवाब देंगे? अगर मुझे ही नहीं जवाब देंगे, नए फॉर्म 1200 से करीब ले लिया है और उसमें 80% महिलाएं, कारण आपके फिंगर टिप्स में रहना चाहिए कि 825 वो भी कम है, 825 से नीचे इसका विश्लेषण क्यों नहीं कर पा रहे ना? ये क्या आप संतुष्ट हैं कि इससे ज्यादा एक भी महिला छुट्टी नहीं हुई है? जेंडर रेशियो फिर जहां ईपी रेशियो अनरीजनेबल है 60% 50% लेकिन 50 से कम और 70 से ऊपर, जहां एज कोहोर्ट में 18-19 में किसी भी बूथ पर 10 से कम मार्क तक आपके पास प्रेक्षक एक आयोग के प्रतिनिधि के रूप में सवाल पूछेंगे, पहला सवाल यही है, पहले सवालों का ही जवाब देंगे तो पूरा क्या करेंगे? और चौथा आप उसमें ये बताएंगे कि मुझे जब व्यक्तिगत मिलेंगे तो बताएंगे कि एपिक कार्ड बंटे सभी को, कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं मिलना चाहिए गांव में जहां एपिक कार्ड नहीं बने। ऐसा नहीं है, प्रेजेंटेशन इज अबाउट व्हाट इज योर एफर्ट कि आपने दादा फाउंडेशन में स्पीच में आपने एएमएफ में क्या क्या किया है, कुछ कायाकल्पी नहीं। आशाएं ने आंगनबाड़ी के लिए बैठक की है, इंटर कॉलेज में कार्यशाला कराई है, इनके फोटो दीजिए कि आपने मतदाता प्रदर्शन के लिए क्या किया, शपथ समारोह पूर्व में जो आपने सोशल मीडिया और अन्य यूज किए वो प्रेजेंटेशन करिएगा। फिर देखिए आयोग ऑब्जर्वर्स का अलग से मीटिंग लेता है, उनसे फीडबैक प्राप्त करता है कि क्या हो रहा है और उसी आधार पर आकलन होता है, तो हमें इस परीक्षा में पास होना है। अभी तक कारण तक का विश्लेषण नहीं किया गया है। आप लोग लीडरशिप क्या करते हैं मुझे नहीं पता, इसके ऊपर कटिंग एज लीडरशिप है, कटिंग एज लीडरशिप मतलब क्रूशियल लीडरशिप वहां पे आप। लेकिन गोरखपुर में पिछले 10 साल में संसद तो 10 साल पहले हुआ था,
आज सभी ईआरओस और चुनाव के नोडल अधिकारी जो नामित हुए हैं विभिन्न घटकों में उनके साथ बैठक की गई, विस्तार में चर्चा की गई और ये साप्ताहिक बैठक निरंतर चलती रहेगी। आज विभिन्न बिंदुओं में चर्चा होगी, मुख्य रूप से मतदाताओं को सुविधा युक्त अवस्था अपनाएं करने के लिए एएमएफ की संतृप्तिकरण की समीक्षा ली गई, जो मतदाताओं को एपिक कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होना है उसके बारे में समीक्षा की गई है और निरंतर जैसे जैसे एपिक कार्ड्स प्राप्त होते जा रहे हैं लगभग हमारे 1,25,000 से ज़्यादा नेट नए मतदाता जुड़े हैं सभी विलोपन के पश्चात और निरंतर अभी भी अगर कोई मतदाता छूटे हुए हैं तो वो हमारे वीआरसी में संपर्क करके ऑनलाइन अप्लाई करते हुए जुड़ सकते हैं और मतदाता सूची में अपने नाम जुड़वा कर गर्व से इस बार मतदान कर सकते हैं। ये हमारे मुख्य दायित्व भी है सबकी। और आज विभिन्न तैयारियां जैसे ईवीएम मशीन्स की तैयारियां, मतदाता कर्मचारियों की ट्रेनिंग की समीक्षा की गई और कानून व्यवस्था और आचार संहिता का पालन के भी समीक्षा विस्तार में ली गई।